मेरा नाम सतीश कुमार, पिताजी का नाम स्वर्गीय गौरी शंकर प्रसाद, ग्राम प्लस पोस्ट मुढ़ारी, थाना हरनौत, पंचायत चेरन। मेरा मोबाइल नंबर 800-220-1833 है। जब दुकानदार के पास जाते हैं तो यही पूछते हैं दुकानदार से कि बैल वाला बिया मक्का है कि नहीं, धान है कि नहीं, गेहूं है कि नहीं। तो इसका जो वैरायटी है बीनर मक्का NMH 8352 है, ये बहुत ही मक्का की अच्छी वैरायटी है। हमने इसको लगाया है तो इसमें दो तीन खासियत है। पहला खासियत ये है कि ये इसमें शोर जो है बाहर निखरा हुआ है, यानी मिट्टी को कस को पकड़े हुए है। मिट्टी को जब ये कस के पकड़े हुए है तो अभी हमारे गांव में 3-4 आंधी आया लेकिन एक भी पौधा ये गिरा नहीं, एक भी पौधा गिरा नहीं, सारा पौधा खड़ा के खड़ा है। दूसरी खासियत ये है कि इसका जो बाली आया है 3.5 फीट पर आया है। इसका जो दाना है ये अंतिम तक है, पूरा अंतिम तक पूरा भरा हुआ है फूल। तीसरा खासियत ये है कि एक समान ऊंचाई में है ये पौधा, ये नहीं कोई एक हाथ बड़ा है कोई एक हाथ छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा पौधा एकदम सेम है। करीब 6.5 फीट पर जो है से कि 6.5 फीट ऊंचाई इसका है इस पौधे की। समान रूप से इसको छुड़ाने में जो है से कि बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, बहुत ही आसानी से छूट जा रहा है, बहुत ही आसानी से छूट जाता है। अगर इसको कटिंग कर दिया जाए करने के बाद तो 2 दिन अगर रह जाएगा खेत में घर में तो और ही हल्का छूटेगा, और हल्का छूटेगा। फिर इसका बलरी जो है, ये बलरी अन्य वैरायटी के अपेक्षा ये पतला है। तीसरा इसमें एक चीज क्या है कि ये जो है से कि मुना हुआ है, पूरा पैक है, तो बारिश का पानी इसमें नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो ये मक्का पानी से डिस्टर्ब नहीं होगा, इसमें पानी नहीं जाएगा तो ये पानी से डिस्टर्ब नहीं होगा। और आने जाने वाले किसान को, यहाँ के किसानों को अच्छा लग रहा है ये खेत, देखते हैं एक बार, अच्छा मक्का है, इसको लगाना चाहिए।